नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए जो सामान्य हिंदी है, जिसके 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं आपके सामने, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, जो 9th से 12th के लिए चलती है, उसी का पार्ट है, ये उसी के पेज हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका भी जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपका क्वेश्चन आज का ये है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहा जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, तो इसके लिए एक शब्द का हम इस्तेमाल करना चाहिए तो क्या कह सकते हैं, पारदर्शी। तो ये कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, वाक्य रूपांतरण में भी ये उपयोगी होते हैं। और ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहां दिए गए हैं। तो इस तरफ वाक्यांश है और सामने है एक शब्द। और जो लास्ट एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द का एक क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला है सत्य बोलने वाला, इसे क्या कहा जाता है, सत्यवादी। जो सहनशील हो, सहिष्णु, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, तो वो क्या कहलाता है, अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो, अतृप्त। नेक्स्ट है दो भाषाएं या दो भाषा जानने बोलने वाला, दुभाषिया। जिसको अनुभव हो, अनुभवी। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। देखिए, एक मेहमान भी होता है और एक होता है अतिथि, तो दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है। मेहमान वो होता है जिसके आने की सूचना हमें पहले से हो और हमें मालूम हो कि इस दिन ये व्यक्ति आने वाला है, वो होता है मेहमान। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आता है तो वो होता है अतिथि, अतिथि। तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसे क्षमा न किया जा सके, असमय। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो, अवैध। जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। नेक्स्ट आता है जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जो महात्मा ऋषि होते हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें अंतर्ज्ञान हो जाता है। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे, आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करना, आविष्कार। जो नए जमाने का हो, आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना, आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला, आभारी या कर्तज्ञ। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज।
आकाश में दिखाई देने वाला सात रंगों का धनुष इंद्रधनुष, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, जिसका हृदय विशाल हो उदार, जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी, जहां दवाई मिलती है या इलाज होता है औषधालय। नेक्स्ट है कि कलाकारों के द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति, जो अपने काम में होशियार हो कार्य कुशल, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है किए गए उपकार को मानने वाला। देखिए एक तो होता है न मानने वाला, वो तो है कृतघ्न, ये नेक्स्ट यही है कृतघ्न, और मानने वाला कर्तज्ञ। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। नेक्स्ट है जहां कल पुर्जे बनाए जाते हैं कारखाना, जो अंदर से खाली हो खोखला, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, जो किसी को न सुहाता हो खटकना, सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार, गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ, जो गणना योग्य हो गण्य या गणनीय, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। नेक्स्ट है छिपाने योग्य बातें गोपनीय, गायों को पालने वाला गोपाल, गायों को चराने वाला गवाला। देखिए इनमें डिफरेंस नामों में ध्यान रखिएगा, पालने वाला होता है गोपाल, इसमें पालना, और गायों को चराने वाला गवाला, गांव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक, और जो चित्र बनाता हो चित्रकार, चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह है, छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी, छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि छात्रवृत्ति, जल में रहने वाला जीव जलचर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय, जन्म से अंधा जन्मांध, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। ये आपसे पूछा था शुरू में, तो इसका राइट आंसर होगा जिज्ञासु। नेक्स्ट है ज्योतिष विद्या के ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी, जिसे देखकर डर लगे डरावना, तप करने वाला तपस्वी, दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जिस पुत्र को गोद लिया गया हो दत्तक, जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, जो समझने में कठिन हो दुर्बोध, बोध का मतलब होता है समझना, तो जो समझने में कठिन हो वो क्या हो जाएगा दुर्बोध, जिसका आचार विचार अच्छा न हो दुराचारी। नेक्स्ट है मुश्किलों या कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक, मांस न खाने वाला निरामिष, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो अभी पैदा हुआ हो नवजात, जिसके पास धन न हो निर्धन, नष्ट होने वाला नश्वर, रात में विचरण करने वाला निशाचर, जिसमें ममता न हो निर्मम, जो भयभीत न हो निर्भीक, जिसका कोई आधार न हो निराधार, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, जिसका कोई आकार न हो निराकार, नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक, यानी इसका नवागंतुक का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, नव प्लस आगंतुक, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा नवांगतुक, जिसमें संदेह न हो निस्संदेह है, बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। ये देखिएगा ये बहुत माइनर डिफरेंस है, इन शब्दों में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो आंखों के सामने हो वो होता है प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम,
दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है पाश्चात्य, दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक, पत्तों की बनाई कुटिया पर्ण कुटी, 15 दिनों का समय पक्ष, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जिस जानवर को पाला जाता हो पालतू, पुराने जमाने का प्राचीन, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय, किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति। नेक्स्ट आता है दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी, हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। आप कई बार ये शब्द पढ़ते हैं कि वहां से पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, तो जो हाथ से लिखी पुस्तक है वो पांडुलिपि कहलाती है, जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य, बहुत बोलने वाला वाचाल। नेक्स्ट है नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि, जो पहले का हो भूतपूर्व। नेक्स्ट आते हैं मांस खाने वाला मांसाहारी, कम खर्च करने वाला। ये मैं के ऊपर रह गलत है, ये गलत छप गया होगा। कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी, जहां रेती रेत हो मरुभूमि, महीने में एक बार होने वाला मासिक, मरम को छूने वाला मार्मिक, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय, वर्णों की माला सूची वर्णमाला, वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, विष्णु का उपासक वैष्णव, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला विदूषक, जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक, शक्ति का उपासक शाक्त, शिव का उपासक सेव, सगा भाई सहोदर, एक ही जाति के लोग सह जातीय, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी, सेवा करने वाला सेवक, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। नेक्स्ट है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला हिंसक, अपने दस्तखत हस्ताक्षर, हंसने हंसाने वाला हंसोड़। तो दोस्तों ये थे 164 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है इसमें इतना ही है, 164 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आपके पास कोई और भी पुस्तक है उसे आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 164 आपको याद होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है, जो भी शब्दावली है, वो एक एक वर्ड एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से रिवीजन है ये और कुछ एक वीडियो है, आपका पूरा हिंदी का रिवीजन हो जाएगा जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कंटेंट है और जो इन्हीं किताबों में है उन्हीं को सही माना जाता है प्रमाणिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।